भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 70% लोग कृषि का काम करते हैं, जिनके घर में आपको पशु मिलेंगे। अब इन पशुओं को खिलाने के लिए ज़रूरत होती है पशु आहार की। नॉर्मली तो ये चारा और भूसा खाकर भी अच्छा खासा रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब ये दूध देते हैं तो उनका जो दूध होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इन्हें अलग अलग तरह के पशु आहार दिए जाते हैं। कपिला दिया जाता है, चुन्नी, चोकर, खली दी जाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन वजह से जो पशु का दूध होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है किसानों को। और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है पशु को। इसलिए आज के समय में पशु आहार की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है भारत में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम से कम पैसों में आप किस तरीके से पशु आहार के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसे आपको कहाँ पर शुरू करना चाहिए, माल कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ पर आप इसे सेल करेंगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, समझते हैं सबसे पहले पशु आहार का एक नॉर्मल शॉप होता क्या है। इसमें क्या है कि आप माल खरीद कर इसे थोक में भी बेचोगे, खुले में भी बेचोगे, ओवरऑल आपकी एक शॉप होगी जहां से आप किसानों को डायरेक्ट माल बेचोगे। इसे ही पशु आहार शॉप कहा जाता है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए आपको किस जगह की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि बहुत बड़े बड़े गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 500,000 स्क्वायर फीट, 1200-1500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। वो तब चाहिए होगा जब आपकी शॉप बड़ी हो जाएगी। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आप अगर कोई नॉर्मल शॉप भी शटर वाली आपको मिल जाती है कहीं आपके लोकल एरिया में तो आप ले सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका एरिया हो वो ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर आपको पशु मिलें, मतलब किसानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ज़्यादातर वहाँ ऐसे लोग हों जो जानवरों का पालन करते हैं, यादव लोग अधिकतर पालते हैं। तो आपके एरिया में अगर यादव वाला एरिया जहाँ है, गाँव है आसपास कहीं यादव का, जहाँ जिनके पास भैंस गाय हैं काफी ज्यादा, तो वैसे एरिया में आप शुरू कर सकते हैं। या नॉर्मली अगर पंजाब वगैरह के एरिया में आप हैं या हरियाणा में हैं तो वहां तो हर जगह ही आपको लगभग ऐसा एरिया मिल जाएगा। तो आप ऐसे एरिया को चूज करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा किसानों की संख्या होगी ताकि आपको कस्टमर्स मिलने में ज़्यादा समस्याएं ना हों। चलिए, अब यहाँ पर हमने शॉप ले लिया है, अब बात करते हैं हमें माल कहाँ से लेना है सेल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके एरिया में जो भी ऐसा एरिया है जहाँ पर सरसों का तेल पेरा जाता है, मतलब कोल्लू, आटा चक्की वाले से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कहीं आटा चक्की में ही कोल्लू लगा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोल्लू अलग से होता है। तो आप आटा चक्की वाले से पता कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है कि कोल्लू वाला आपके एरिया में कहाँ है तो आप उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके पास जितना भी खली एकत्र होता है उसे एक साथ एकत्र करके हमें दे दीजिएगा। नॉर्मल भाव आप उनसे लगवा लेंगे, जो मार्केट प्राइस होगा उससे थोड़ा कम, क्योंकि आप उन्हें कहेंगे कि हम आपसे थोक में लेंगे और जितना हुआ करेगा सारा ले लिया करेंगे। देखिए, अगर डायरेक्ट आप किसी कंपनी से खली खरीदते हैं तो उसमें कंपनी भी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट ऐड करेगी, उसके बाद आपको देगी। पर अगर आप किसी कोल्लू वाले के पास जाते हैं तो उससे आपको कंपनी से थोड़ा कम रेट में खली मिल जाएगा जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आपको पशु आहार मतलब चोकर, चुन्नी, दाना, ये सब जो होता है इसे खरीदने के लिए कोई भी अगर लोकल कंपनी है आपके एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले की बात करूँ, मेरा जो एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर सेठिया पशु आहार करके एक लोकल कंपनी है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक जो पशु आहार है वो सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आपके एरिया में देख लेना है कौन सी लोकल कंपनी है आपके एरिया में जो कि पशु आहार दे रही है, वरना आप किसी ब्रांडेड कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी का काम भी कर सकते हैं, किसी ब्रांडेड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे आपका कपिला हो गया, पतंजलि हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको आसानी से फ्रेंचाइजी दे देंगी। पर हाँ, इनकी जो फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, बट अगर आप किसी लोकल कंपनी के साथ डील कर लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, उनसे माल लेना शुरू कर देते हैं, तो आप कम से कम पैसों में भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बस इतना सा फर्क आ जाता है यहाँ पर। अभी बात करते हैं क्या इसके लिए हमें किसी भी टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। पहली बात तो बिना लाइसेंस के कोई भी काम करना नहीं चाहिए इंडिया में। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आप, काम चल जाएगा। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
और कस्टमर्स को पक्का बिल देने के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिससे आप कस्टमर्स को पक्का बिल दे सकें। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और हम अगर अर्निंग करेंगे तो कितनी होगी। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी का काम करते हैं तो आपको कम से कम 2.5-3 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप किसी कंपनी के साथ नहीं काम करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो 40-50 हज़ार रुपये का माल लेकर भी आप आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। और रूरल एरिया में अगर आपने कहीं शॉप लिया है जहां किसानों की संख्या अधिक है, हमको किसानों से मतलब है, बहुत ज़्यादा मार्केट के भीड़ भाड़ से मतलब नहीं है, जहां किसान अधिक हों, तो वैसे एरिया में आपको 3-4 हज़ार रुपये तक आसानी से शॉप भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप 40-50 हज़ार रुपये में आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं माल वगैरह रख कर। अब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा यहाँ अच्छा खासा मिलता है, तकरीबन 20-30% तक भी रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर पा रहे हैं, जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। एक ऑन एन एवरेज अर्निंग की बात करें तो आप लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक पर मंथ का कमा सकते हैं अगर आपकी सेल अच्छी खासी है, और सेल अगर बढ़ती है तो ये आंकड़ा भी बढ़ेगा। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको एरिया ज़्यादा भी लेना पड़ेगा, कल को अगर आपकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है तो वैसे में आप एक छोटा सा गोडाउन ले सकते हैं जिसमें आप माल स्टॉक करके रखना शुरू कर देंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप पशु आहार के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।